अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा है हमारा, और पिछली वीडियो से हमने मिरर्स को स्टार्ट किया था और मिरर की एक टाइप जो कि प्लेन मिरर थी उसको पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, यानी कि उससे इमेज किस तरह से फॉर्म होती है और वो जो इमेज फॉर्म होती है उसके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि उस इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था। और आज से फिर हमारे पास मिरर की एक और टाइप हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि स्फेरिकल मिरर्स है। स्फेरिकल मिरर्स का हमारी आम जिंदगी के अंदर भी काफ़ी इस्तेमाल है और भी ये बहुत सारी जगहों के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। अगर डेली लाइफ की बात की जाए कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो हमारे घरों के अंदर जो शेविंग पर्पज़ के लिए मिरर इस्तेमाल होता है गोल सा, ताकि आपका जो मुंह है, आपका जो फेस है, उसके अंदर बड़ा होके नज़र आए, तो वो जो मिरर होता है वो स्फेरिकल मिरर होता है। इसके अलावा स्फेरिकल मिरर्स को फ़न पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सर्कस वगैरह के अंदर या दूसरी जगहों के अंदर जहाँ पे हम लोग जाते हैं और अपना फेस जब शीशे के अंदर देखते हैं तो वो डिस्टॉर्ट हुआ होता है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ख़राब हुआ वो होता है या फिर मैग्नीफाई हुआ वो होता है। तो वो सारे के सारे जो हमारे पास मिरर होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की इमेजेस बना रहे होते हैं, किसी के अंदर बड़ी हमें तस्वीर नज़र आ रही होती है, किसी के अंदर मोटी तस्वीर नज़र आ रही होती है, किसी के अंदर छोटी सी तस्वीर हुई हुई होती है हमारी, तो वो सारे के सारे स्फेरिकल मिरर्स ही होते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। इसी की एक टाइप साइड ग्लासेस के अंदर लगी हुई होती है, हमारे पास गाड़ियों के साइड ग्लासेस के अंदर इसी की एक टाइप जो है वो लगी हुई होती है, जिसकी मदद से हम लोग पूरे का पूरा रोड जो है वो छोटे से मिरर के अंदर कवर करवा रहे होते हैं। इसके अलावा स्फेरिकल मिरर्स का हमारे पास टेलीस्कोप के अंदर भी इस्तेमाल है, कि टेलीस्कोप में जो हमारे पास लाइट रेज आ रही होती हैं काफ़ी दूर प्लैनेट से या फिर स्टार्स से, इन्हें कन्वर्ज करने के लिए, इन्हें फोकस करने के लिए भी इस स्फेरिकल मिरर्स का जो इस्तेमाल किया जाता है टेलीस्कोप के अंदर। इसके अलावा मेडिकल पर्पज़ के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है स्फेरिकल मिरर्स को, कि डेंटिस्ट हमारे पास जब दांत देख रहे होते हैं अंदर तो उन्हें मैग्नीफाई करके देखना होता है दांतों को, तो उसके अंदर भी जो हमारे पास इमेज फॉर्म हो रही होती है या फिर वो जो मिरर इस्तेमाल हो रहा होता है वो हमारे पास स्फेरिकल मिरर ही होता है। यानी कि अच्छी खासी जगहों के ऊपर इनकी एप्लीकेशन है या इनकी यूजेज हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो इनको देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास होते क्या हैं और फिर इनकी कितनी टाइप है। बेसिकली इसकी दो टाइप हैं, एक जो है वो हमारे पास कॉनकेव है और एक जो है वो हमारे पास कॉन्वेक्स है। और ये दोनों की दोनों जो हमारे पास टाइप्स हैं ये उस मिरर को या उस सेक्शन को जो स्फीयर से निकला है पॉलिश किस तरह से किया हुआ उनके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स को देखें या स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करें, तो स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर को किस तरह से हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, कि स्फेरिकल मिरर हमारे पास एक सेक्शन होता है ऑफ अ होलो स्फेयर। इसको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास मिरर होता है ये स्फेयर से निकला हुआ होता है, तभी इसे स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेयर क्या होता है, स्फेयर भी हमने पीछे जो है वो अक्सर डिस्कस किया हुआ है कि स्फेयर क्या होता है। सर्कल को अगर 3D के अंदर देखो तो वो स्फेयर है, यानी कि फुटबॉल की एग्जाम्पल लो, इस अर्थ की एग्जाम्पल लो, या फिर जो हमारे पास वो किरमिज की बॉल होती है उसकी एग्जाम्पल लो, तो ये एक स्फेयर होता है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, बेसिकली सेक्शन ऑफ अ होलो स्फेयर। फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास जो है वो स्फेयर है, यहाँ पे जो है वो सर्कल ही बनेगा क्योंकि ये बोर्ड 2D है, 3D नहीं है, तो ये स्फेयर है, यानी कि इस तरह से फुटबॉल की तरह की चीज़ है। और क्या करो कि आप इसका सेक्शन निकाल लो, ये वाला सेक्शन जब आप लोगे तो ये हमारे पास सेक्शन कहलाएगा होलो स्फेयर का। होलो का मतलब कि खाली, अंदर से खाली होना चाहिए, जैसे हमारे पास फुटबॉल होता है। तो ये जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ये बेसिकली सेक्शन होते हैं होलो स्फेयर के। ये होलो स्फेयर आपने ले लिया, फ़र्ज़ करो कि ये कांच का आपके पास जो था वो स्फेयर था और आपने इसमें से जो है वो एक हिस्सा, एक चीज़ जो है वो काट ली, ये इसका साइड से नज़र आ रहा है हमें। अगर आप इसको सीधा करोगे तो ये हमें गोल नज़र आएगा, लेकिन ये हमारे पास एक सेक्शन होगा स्फेयर का, तो साइड से देखोगे यूं करके तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, और अगर सीधा करके देखोगे तो हमारे पास इस तरह का सर्कल होगा।
क्योंकि ये स्फेयर से कटा हुआ है। अब आपके पास ये जो गिलास का आपके पास सेक्शन मौजूद है स्फेयर का, आप इसके ऊपर पॉलिश करो, जैसे कि हमने प्लेन मिरर समझा था कि ये हमारे पास एक आपके पास एक गिलास होता है, गिलास की थिन लेयर होती है, ये सरफेस होती है, और इसके पीछे आप जो सिल्वर की पॉलिश कर देते हो तो क्या होता है कि इसकी जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग हो जाती है, कि इसके ऊपर जब लाइट रे पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है इसमें से, और जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो उसी रिफ्लेक्शन को जो है बेसिकली हम लोग मिरर बोल रहे होते हैं। मिरर की डेफिनेशन के अंदर यही पढ़ा था हमने कि ऐसी सरफेस, ऐसा ऑब्जेक्ट कि जो लाइट रे को रिफ्लेक्ट करे और उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे पास जो इमेज फॉर्म हो जाए तो वो मिरर कहलाता है। तो ये भी हमारे पास एक गिलास है। अब इसको रिफ्लेक्टिंग बनाने के लिए क्या किया जाता है कि इसको पॉलिश किया जाता है, और पॉलिश ये दो तरीक़ों से हो सकता है, और वो जो दो तरीके हैं वही हमारे पास इस स्फेरिकल मिरर की टाइप्स बनाते हैं। एक टाइप जो हमारे पास कॉनकेव है और एक जो है वो आपके पास कॉन्वेक्स है। तो यहाँ पे डेफिनेशन के साथ इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं या फिर लिखते हैं कॉनकेव को, कॉनकेव मिरर, और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो लिखते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर, सेंटर ऑफ द स्फेयर जी। तो ये हमारे पास दोनों मिरर की डेफिनेशंस हैं। और कॉनकेव मिरर क्या है कि वो स्फेरिकल मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर हो, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब कि जहाँ से लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो, पड़े और रिफ्लेक्ट हो। तो बोल रहे हैं कि वो वाली जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर होनी चाहिए, कि ये जिस स्फेयर से हमारे पास निकल के आया है, फर्ज करो कि ये वाला जो हिस्सा है ये स्फेयर का हिस्सा है और ये इसका सेंटर होता है स्फेयर का। अब बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो उसका जो मुंह है वो हमारे पास सेंटर ऑफ द स्फेयर के करीब होना चाहिए, यानी कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये वाली होनी चाहिए, ये वाली, कि यहाँ पे लाइट रेज पड़े और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो जाए, लाइट रेज पड़े और रिफ्लेक्ट हो जाए। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इस तरफ होगी तो हमारे पास जो मिरर कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। और जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या है कि अगर हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपोजिट साइड पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर ये वाला है, और जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर वाली हो, यानी कि ये वाली जो हमारे पास इसकी सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग हो, तो ये वाला जो मिरर है हमारे पास कौन सा कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर। और इन्हें हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर्स भी बोलते हैं। इस कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, क्यों, क्योंकि ये लाइट रेस को जो इसके ऊपर स्ट्राइक करती हैं कन्वर्ज कर देता है, फोकस कर देता है एक पॉइंट के ऊपर। और इस वाले मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास मिरर है ये डाइवर्ज कर देता है जो भी रेज इसके ऊपर स्ट्राइक होती हैं, यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर इसके ऊपर स्ट्राइक होंगी इस तरह से तो क्या होगा कि ये उन लाइट रेज को एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर देता है, वो सारी की सारी जो है वो इस फोकस से गुजरती हैं। इस पॉइंट को जो है हम लोग फोकस बोलते हैं, एफ से इसको डिनोट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सारी की सारी टर्म्स हैं कि ये वाली लाइन क्या कहलाती है, ये फोकस क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें भी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे। इसको कन्वर्जिंग मिरर इसलिए बोलते हैं कि कोई भी हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करती है, बीम का मतलब कि बहुत सारी रेज जो कि पैरेलल हो आके इसके ऊपर जब पड़ती हैं तो क्या होता है कि ये एक पॉइंट के ऊपर फोकस हो रही होती है, तभी हम लोग इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये कन्वर्ज कर देता है हमारे पास सारी की सारी रेज को। और अगर यही पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस मिरर के ऊपर पड़े तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है, क्योंकि ये वाली इसकी साइड हमारे पास रिफ्लेक्टिंग है, तो अगर रेज सारी की सारी इस तरह से जाके स्ट्राइक करेंगी इस कॉन्वेक्स मिरर को तो ये उन्हें डाइवर्ज कर देगा, कुछ इस तरह से जो है वो आपके पास रिफ्लेक्शन होगी इसके अंदर, यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज जाके स्ट्राइक करेंगी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को और ये जो है इसको फैला देगा। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या हुआ कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज थी वो कुछ एक ही पॉइंट के ऊपर आके कन्वर्ज हुई इस तरह से, यहाँ से भी इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ से भी इस पॉइंट के ऊपर, ये हमारे पास जो थी वो सरफेस थी, यानी कि इसने कन्वर्ज कर दिया सारी की सारी रेज को एक ही पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर दिया, जबकि इसने क्या किया कि इसने डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया, पहली पहली में थी और ज़्यादा जो है इसने
फैला दिया। तो तभी इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और इसको जो है वो हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो ये थे हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको जो है वो पता होना लाजमी है मिरर फार्मूले को ड्राइव करने के लिए भी, और जो इमेजेस फॉर्म होती हैं इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से उन्हें समझने के लिए भी जो ये टर्म्स हैं ये ज़रूरी हैं। तो उन टर्म्स को भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो टर्म्स हैं ये कौन कौन सी हैं। मिरर जी, तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कि मिरर फार्मूले को समझने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर भी यही सारी की सारी टर्म्स जो इस्तेमाल हो रही होंगी बार बार, फर्स्ट ईयर के अंदर भी आएंगी। और जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन का कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से भी, तो उसके अंदर भी ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके पास इस्तेमाल हो रही होंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। सबसे पहली जो टर्म है हमारे पास वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसे सी कैपिटल सी से जो है वो डिनोट किया जाता है, और ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि जो हमारे पास कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर है ये एक स्फीयर का सेक्शन होते हैं, एक स्फीयर से निकल के आए हुए होते हैं। तो फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास वाला स्फीयर है और इससे जो है ये हमने मिरर निकाला है। तो जब हम मिरर को इसके साथ लगाएंगे यानी कि मिरर को ही एक्सटेंड करेंगे तो वो एक स्फीयर बनाएगा, वो निकले ही स्फीयर से। तो ये वो वाला स्फीयर है जिससे हमारे पास जो है वो कोई मिरर निकला है। अब इस स्फीयर का जो सेंटर होगा आपके पास वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, यानी कि वो जो आपके पास कर्व है छोटा सा ये बड़ा जो कर्व है कि जिस स्फीयर से निकल के आया है उसका जो सेंटर होगा वो आपके पास कैपिटल सी कहलाएगा, और इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि रेडियस ऑफ द स्फीयर, या तो इस पूरे के पूरे स्फीयर का रेडियस ले लो या फिर सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस ले लो। पी हमारे पास ये वाला पॉइंट है, इसे हम लोग पोल बोलते हैं, और ये आगे यहाँ पे आ रहा है पोल। इस सेंटर से यानी कि सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा आपके पास सी पी, वो आपके पास क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। सेंटर से लेकर किसी भी एंड तक का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस होता है। तो या तो आप किसी भी एंड तक का डिस्टेंस ले लो मिरर तक, या फिर यहाँ से लेकर पोल तक का डिस्टेंस ले लो, तो वो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इसके बाद पोल और वर्टेक्स क्या होता है, इसे हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और ये ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, यानी कि ये जो हमने कर्व निकाला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ये नीचे हमने बनाया हुआ है, अगर इसका ज्योमेट्रिकल हम लोग सेंटर निकालें यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास पूरी की पूरी लेंथ है, और इसका ज्योमेट्रिकली सेंटर निकालें, बीच वाला हिस्सा निकालें, तो वो इसका पोल कहलाएगा, इसका कोना कहलाएगा, या फिर इसका वर्टेक्स कहलाएगा। और वो कुछ यहाँ पे इस तरह से बन रहा है कि जितना नीचे हो यानी कि जितना इस पॉइंट से ऊपर हो हमारे पास कर्व, उतना ही नीचे भी हो, तो यानी कि ये वाली जो आपके पास चीज़ आएगी, ये वाला जो आखिरी कोना आएगा इसको हम लोग पोल बोलते हैं, या फिर इसको जो है वर्टेक्स बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल फोकस होता है, जिसे हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि वो पॉइंट कि जहाँ पे हमारे पास जो रेज हैं वो कन्वर्ज हो जाएं रियलिटी में भी और वर्चुअली भी। हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि इस कॉन्केव मिरर के अंदर फ़र्ज़ करो कि ये लाइट रेज जो आके पड़ी इसको पैरेलल लाइट रेज आई और इसको स्ट्राइक किया उन्होंने। स्ट्राइक होने के बाद ये जिस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है और हमने पीछे देखा कि कॉन्केव मिरर के ऊपर हमारे पास जो रेज है वो कन्वर्ज होती है, लेकिन एक ही पॉइंट के ऊपर आके जो है वो कन्वर्ज हो जाती है, फोकस हो जाती है, तो इस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं या फिर सिंपली फोकस बोलते हैं। हमें पता है कि ये लाइट रे आएगी, इससे टकराएगी और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये सारी की सारी जो हमारे पास लाइट रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास हो रही होंगी, इसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं या फिर सिंपली फोकस बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे रियल और वर्चुअल क्यों लिखा हुआ है? रियल जो लिखा हुआ है वो कॉनकेव के लिए लिखा हुआ है। इसके अंदर हमने देखा कि ये जो रियल आपके पास रेज थी यही आके जो है एक पॉइंट के ऊपर फोकस हो रही है, यानी कि ये रिफ्लेक्ट हुई और एक ही पॉइंट के ऊपर आके फोकस हुई। आपके पास जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके अंदर ये वाला केस नहीं होता, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर थोड़ा सा उल्टा केस होता है। उसके अंदर जो रियल रेज है बेसिकली वो डाइवर्ज हो जाती है, वो कभी भी आपस में नहीं मिलती, बल्कि हमें एक वर्चुअल जो रेज है वो बनानी पड़ती है और वो जाके मीटअप कर रही होती है एक पॉइंट के ऊपर, तो वो वर्चुअल में जाके मिल रही होती है।
फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है और इसके ऊपर ये हमारा इसके ऊपर वो लाइन है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभी प्रिंसिपल एक्सिस है ये। तो इसके ऊपर फ़र्ज़ करो कि ये लाइट रेज गई, इन्होंने जाके जो है उसको स्ट्राइक किया और यहाँ से जो है वो रिफ्लेक्शन हुई। रिफ्लेक्शन किस तरह से हुई कि ये इस डायरेक्शन में चली गई और ये कुछ इस डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये जो हमारे पास रियल रेज है, जो हमारे पास रियल वाली लाइट रेज थी, ये कभी भी नहीं मिलेंगी आपस में। एक किसी और पॉइंट के ऊपर जा रही है, एक कहीं और जा रही है, एक कहीं और जा रही है, एक कहीं और जा रही है, यानी कि पूरी फैल गई है, डाइवर्ज हो गई है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमें इस तरह से लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये किसी एक पॉइंट से ही आ रही है। और वो कैसे पता लगेगा कि इनको हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करें, तो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जब इनको एक्सटेंड करेंगे सारी की सारी रेज को, तो क्या होगा कि ये किसी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाएंगी। इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और इसको वर्चुअल किस लिए बोला हमने, यहाँ पे वर्चुअली का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ये असल रेज नहीं है। जैसे हमने प्लेन मिरर के अंदर देखा कि प्लेन मिरर के अंदर भी जो हमारे पास हमें ऐसा लग रहा होता है कि एक पॉइंट से जो ये रेज आ रही है रिफ्लेक्टेड रेज, तो उसको हम लोग बोलते थे कि ये वर्चुअल पॉइंट है। तो ये वाला भी जो हमारे पास पॉइंट आएगा, ये वाला फोकस वाला, ये बेसिकली वर्चुअल इमेज, वर्चुअल जो रेज है, वर्चुअल रेज क्या कि जो हम लोग खुद एक्सटेंड करें पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो ये जाके जहाँ पे मीटअप कर रही होंगी इसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो प्रिंसिपल फोकस इसके लिए ये वर्चुअल पॉइंट होगा, ये वाला जहाँ पे वर्चुअल रेज जाके मीटअप हुई है। और कॉनकेव मिरर के लिए कौन सा होगा कि जहाँ पे रियल रेज जो है वहाँ के कन्वर्ज हुई है। इसके बाद फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है हमारे पास, अगर दोबारा से यहाँ पे हम लोग कॉनकेव मिरर बनाए, ये वाला, तो कॉनकेव मिरर के अंदर हमने देखा कि ये वाला जो पॉइंट है ये प्रिंसिपल फोकस है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर रेज रिफ्लेक्शन के बाद आके जो है वो कन्वर्ज होंगी। और ये जो पॉइंट होता है ये हमारे पास पोल होता है, पी से इसको डिनोट करते हैं हम लोग, जो कि ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है इस स्फेरिकल मिरर का। तो अगली जो चीज़ है हमारे पास वो फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्या होती है, इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और ये बेसिकली डिस्टेंस होता है बिटवीन फोकस एंड द पोल। इस फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसे हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, कि जो हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है इसकी फोकल लेंथ क्या है, यानी कि वो पॉइंट कितना दूर है इस पोल से कि जिस पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज आके कन्वर्ज होंगी। या फिर सिंपली एफ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस होता है, मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एफ टू पी हमारे पास फोकल लेंथ कहलाती है किसी स्फेरिकल मिरर की। इसके बाद जो चीज़ है हमारे पास वो प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली एक सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी। सी हमारे पास क्या था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो था आपके पास पोल था। तो यहाँ से आप जो है वो अगर एक लाइन बना दो पूरी की पूरी आगे तक जा रही हो, कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्टार्ट हो, मतलब इसके पीछे भी हो थोड़ी सी, और चलते चलते जो इस तरह से जा रही हो, पोल से पास हो रही हो, तो ये पूरी की पूरी लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जो यूँ आगे तक जा रही है। तो बोली जो लाइन है ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, जो कहाँ से आ रही होगी, बेसिकली आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सी से और पोल से जो है वो टकराती हुई आगे तक पास हो रही होगी। ये आप लाइन है, आगे भी जा रही है और यहाँ पीछे भी जा रही है, तो इस पूरी की पूरी लाइन को जो है हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फिर सबसे आखिरी चीज़ जो है वो हमारे पास अपर्चर है, और अपर्चर क्या होता है, यदि सर्कुलर डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, कि जो आपके पास स्फेरिकल मिरर है उसका सर्कुलर डायमीटर कितना है, तो बेसिकली ये साइज़ भी बता रहा होता है हमें कि जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर है उसका साइज़ कितना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, या फिर ये वाला जो आपके पास सर्कुलर डायमीटर होता है ये अपर्चर कहलाता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगी आगे जब हम मिरर फार्मूले को भी ड्राइव कर रहे होंगे, और साथ ही साथ जो इमेज फॉर्मेशन है कॉनकेव मिरर से, अगला टॉपिक हमारा वो वाला है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉनकेव मिरर से जो हमारे पास इमेजेस है वो किस किस तरह से बनती हैं। तीन चार केसेस है हमारे पास, और इन तीन चार केसेस के अंदर देखेंगे जो इमेज फॉर्मेशन है वो किस तरह से हो रही है हर केस के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।